मैं अभी जस्ट अंधेरी में हूँ और मैं जा रही थी, मैंने यहाँ पे स्पॉट किया कि 7-Eleven है, और अगर आपको नहीं पता कोरिया में 7-Eleven एक कन्वीनियंस स्टोर है, तो चलो देखते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं क्या है यहाँ पे। सो गाइस, स्टोर तो काफ़ी ज़्यादा छोटा सा था, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं थी अंदर घुसते ही। आपको रेगुलर जो हमें राशि शॉप में सामान मिलता है वही से मिल रहा था, सारे लोकल ब्रांड्स थे, कुछ भी कोरियन सामान मुझे नहीं मिला। ये मुझे नूडल्स दिखे, इंस्टेंट नूडल्स, और यहाँ पे सरप्राइजिंगली मेकअप का सामान था जिसे आप ट्राई नहीं कर सकते हो। मुझे यहाँ पे गाइस एक भी कोरियन नूडल्स नहीं मिला। ऑनेस्टली गाइज, मुझे यहाँ पे कुछ भी अलग कोरियन स्टाइल तो नहीं मिल रहा है जो कोरियन स्टोर के नाम से जाना जाता है, मुझे सब कुछ इंडियन सामान ही मिल रहा है इस जगह पे, नॉर्मल राशन के जैसा शॉप है। यहाँ पे आपको गाइज रेडी टू ईट खाने मिल जाएगा, काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, काफ़ी अच्छे भी थे, नॉन वेज और वेज दोनों में मिल जाएगा। और इस तरीके की थालीज आपको मिल जाएंगी 140-160 रुपीज़ में। ये वेज है, पनीर और राइस। तो यहाँ से हमने गाइज लिया था ये वड़ा पाव, और इस पर कोई भी चटनी नहीं थी, सिर्फ लहसुन की चटनी थी। प्रतीक हैज ट्राइड इट एंड ऑनेस्टली ही जस्ट लव्ड इट, और इसको सरप्राइजिंगली बहुत ही ज़्यादा पसंद।